सबसे बड़ी सिटी है ऑफ आर्टिक सर्कल विच इज इन नॉर्थ, ओके। और उतरते ही -10 डिग्री का अनुभव हो रहा है, बिकॉज -16 डिग्री। ओह जोरदार है, ऐसे रास्ते तो मैंने मतलब वीडियो में भी नहीं देखे रहेगे, किधर सच कह रहा हूँ, इतने बर्फीले। ग्रीन ग्रीन लाइट, एनी चांसेस? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए प्यारे से वीडियो में रशिया सीरीज के। इस वक्त सुबह के बजे है 6 और हमने चेकआउट कर लिया है मॉस्को के अपने हॉस्टल से, और अभी निकल पड़े हैं शहर मोटोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 1.5 से 2 घंटे का जर्नी ड्यूरेशन है। आज हम मॉस्को छोड़ के जा रहे हैं मुरमांग्स, जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया है, सिटी है, जो वन ऑफ द कोल्डेस्ट सिटी है, बिकॉज अभी की करंट टेम्परेचर की बात करूँ ना, -22 डिग्री सेल्सियस है। जी हाँ, अब मेरे को नहीं पता जो भी मैंने कपड़े लाए हैं, कोट लाए हैं, वो क्या वाकई में सहन कर पाऊंगा, आई मीन -22 डिग्री, बिकॉज इससे पहले इतनी ठंड में तो कभी नहीं गया ना, वही बात है। यहाँ से अभी मैं मेट्रो पकड़ूंगा अर्बत्स की, जहाँ पे मेरा एरिया है, ठीक है, वहाँ से मैं मेट्रो पकड़ूंगा, एक स्टॉप पे ग्रीन लाइन पे उतरूंगा, फिर ग्रीन लाइन से तकरीबन 41 मिनट की जर्नी रहेगी, एक और जगह उतरूंगा रेक्नोय वोक्जाल करके, फिर रेक्नोय वोक्जाल से 9:49 की बस पकड़ के जाऊंगा एयरपोर्ट। पूरा प्रोसीजर वही 1.5-2 घंटे का है, मैंने जैसे कि कहा वही बात है। अरे इतने सुबह सुबह सैलर्स मिल जाते हैं आपको? एक्चुअली मॉस्को में मेट्रो स्टार्ट हो जाती है 5:30 को, जिसकी वजह से पब्लिक की आवन जावन, ऐसे बर्गर किंग, कॉफी शॉप्स, ये खुली जाते हैं लगभग। तो ये हम मेट्रो से उतर के आ गए हैं रेक्नोय वोक्जाल, जहाँ पे पब्लिक बहुत है, क्योंकि लगता है कि बस अड्डा है, मतलब यहाँ से मॉस्को में जगह जगह बसेस जाती है, वही बात है। अभी 9:49 कहाँ मिलेगी बस, वो पता लगाना है। गूगल के हिसाब से 9:49 बस थी, लोकल्स के हिसाब से 8:51 बस है, कोई नहीं, लोकल्स की मानते हैं, और तो क्या, जैसे ही बस आएगी चढ़ जाएंगे, ड्राइवर को भी पूछ के कन्फर्म कर लेंगे। घुसो घुसो सब घुसो सब घुसो सब घुसो बहुत भीड़ है भाई। ये हम फाइनली पहुंच गए हैं 2 घंटे के जर्नी से शेरे मोटोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल भी, और मज़ा आ गया, मतलब फास्ट जर्नी गई, जितना सोचा था उतना ही टाइम लगा, ज़्यादा देरी से नहीं हुई। अच्छा, फास्ट से याद आया कि आप मेरे को पूछते हो कि मैं फ्लाइट्स होटल्स वगैरह कहाँ से बुक करता हूँ फास्ट और चीपेस्ट में, मैं यूज़ करता हूँ वीगो का ट्रैवल ऐप। वीगो फास्टेस्ट और सेफेस्ट ट्रैवल बुकिंग ऐप तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी सारे चीपेस्ट ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं फ्लाइट्स और होटल्स के मामले में, बिकॉज बड़े बड़े ट्रैवल पोर्टल्स फ्लाइट कंपनीज होटल कंपनीज को कंपेयर करता है और फिर आपके सामने रिजल्ट्स पेश करता है। वीगो के ऐप में आप बहुत सारी एक्टिविटीज तो बुक कर ही सकते हो, साथ ही साथ इंडियन रेलवेज की भी ट्रेन्स बुक कर सकते हो। तो जब एक ही ऐप में इतने शानदार तरीके से बुकिंग फास्ट और चीप में हो जाती है तो क्या ही दिक्कत है, अभी डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हो तो उसे अपडेट जरूर करना टू एंजॉय अमेजिंग ऑफर्स। मेट्रो का 62 रूबल्स लगता है, और उसके बाद जब बस रहती है ना, वो इतनी भीड़ होती है और कार्ड यूज होता है, उसमें कैश यूज नहीं होता है, जिसकी वजह से 80% लोग कार्ड का मतलब फ्री में ही ट्रैवल करते हैं, सिर्फ 10-20% लोग कार्ड को टच करते हैं। अपने को आइडिया नहीं था, अपने को लगा कि जब कोई पूछेगा तो अपन उसके कार्ड से करवा के अपन कैश दे देंगे, क्योंकि पिछली बार तो क्या वीज़ा मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वगैरह चलता था टैप करने से, अभी तो वो सब बैन है ना, बस वही बात है। तो ये फ्री में जर्नी होती है रेक्नोय वोक्जाल से एयरपोर्ट तक, जो कि सारे ही लोग उसका लाभ उठाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, बस वही बात है, बैन है तो अभी कार्ड कहीं से लाओ, और एयरपोर्ट भी जाना जरूरी है। एनीवेज ये देख लो, जैसे ही एंटर हुआ इतनी सारी भीड़ है और लगेज की चेकिंग की, उसके बाद अंदर जाएंगे बोर्डिंग पास वगैरह लेंगे, क्योंकि 10:30 बजे के आसपास की फ्लाइट है, मतलब 2 घंटा ही बचा है अपने पास भी। बस अभी इंतजार ही कर रहे हैं कब हमारा नंबर आए और टिकट हाथ में आ जाए, मोहतरमा दे दे जो सामने बैठी है बोर्डिंग पास। आधा घंटा तो हो गया है, धीरे धीरे हो रहा है प्रोसेस, ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है, लेकिन एक काम की चीज़ हो गई, वो ये है कि मैंने ना मुरमांग्स में कोई हॉस्टल वगैरह कोई बुक नहीं किए, सिर्फ सेंटर देखा है कि यहाँ पे सिटी सेंटर में रुकूंगा,
और 40 किलोमीटर का फासला है मुरमांग्स एयरपोर्ट से सिटी सेंटर, वो भी मैंने अभी गूगल मैप्स में देखा है। ट्रस्ट मी, गूगल मैप्स में अभी मैंने चेकआउट किया था ना, तो होटल वगैरह एक्सपेंसिव दिखा रहे थे, 2000 के ऊपर रूबल्स पर नाइट, और हॉस्टल का कोई ऑप्शन बराबर मिल नहीं रहा था सिटी सेंटर, जहाँ पे सेंटर में मेरे को रुकना है। थैंक्स टू देम, सिसेग राइट, सिसेग, थैंक यू सो मच सिसेग, और इनकी फ्रेंड है नताशा, ये दोनों लोग मुरमांग्स ट्रैवल कर रहे हैं। ये लोग साइबेरिया से है, लेक बैकल, जो पता है कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है इन रशिया, वहाँ के ये निवासी है। तो ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं मुरमांग्स 3 दिनों के लिए। इन्होंने कहा कि हम भी हॉस्टल में स्टे ले रहे हैं, गुड नाइट हॉस्टल करके सिटी सेंटर में ही है, और हम टैक्सी करके जाएंगे सिटी एयरपोर्ट से, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो पर्सी बा, बिकॉज मेरा एक तो टैक्सी में भी काम हो गया, और दूसरी बात इन्होंने हॉस्टल जो बताया 950 रूबल्स पर नाइट पर बेड, तो इनका तो गर्ल्स रूम होगा और मेरा तो मिक्स रूम। इन्होंने फ़ोन करके बोल दिया कि मिक्स डॉम या फिर बॉयज, मैं बोला जो मर्जी जिधर। टिकट में साफ साफ 10 किलो अलाउड लिखा था, फिर भी पता नहीं, इधर भी वही बैगेज का पंगा, तो जिसके वजह से येलो बैग इनकी फ्रेंड ने मेरा ले लिया नताशा ने। बहुत दुविधा है ये वाला बैग, तो जैसे तैसे मैंने बहुत चीज़ें पहन ली है, मिल्टन की बॉटल डाल दी है, सारे कैमरा गैजेट सब कोट में डाल दिए, सब करना पड़ता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि जब दुबई से भी आया था तब भी मेरा काम हो गया था, और अभी भी काम हो गया। येलो बैग तो मैडम लेके चली गई है इनकी फ्रेंड, तो थैंक्स, मतलब थैंक्स टू द लवली पीपल यार, और तो क्या ही बोलूं। भोजन विल बी स्टार्टेड एट दिस टाइम 9:55। अच्छा बढ़िया, सो गो डायरेक्टली टू द राइट एंड देन टू द लेफ्ट, हैव अ नाइस फ्लाइट। श्योर, थैंक यू सो मच। मेरा पासपोर्ट किधर है? थैंक यू सो मच। फाइनली आ गए हैं मुरमांग्स, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिटी है ऑफ आर्टिक सर्कल विच इज इन नॉर्थ, ओके। और उतरते ही -10 degrees का अनुभव हो रहा है, बिकॉज -16 degrees, ओह थैंक यू, -16 degrees है, रात को -25-26 degrees जाता है। फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, -16 degrees। एयरपोर्ट वाकई में बहुत छोटा है, मतलब ये आप समझ रहे हो एक ही कन्वेयर बेल्ट है, दैट्स इट, इतना छोटा सा है, और उसके बाद एग्जिट है, हो गया, टाटा बाय बाय। हाउ वाज योर फ्लाइट? इट्स गुड, देयर इज नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हियर राइट फ्रॉम एयरपोर्ट टू? नो, आई डोंट नो, मेबी। सो हाउ मच चार्ज फॉर द टैक्सी? 800 रूबल्स जस्ट, सो आई विल पे फॉर द टैक्सी, ओके? ओके, या चलो भाई जी, आश शाबाश, थैंक यू। इन्होंने मेरे लिए हॉस्टल बुक किया, इन्होंने मेरा 3,500 रूपल बचाया, क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा बैगेज का वो लोग ने मेरे से मांग लिया था 3,500 रूबल, इन्होंने फिर यू नो उनसे बात करी और बचाया कि ये बैग हम लेके जा रहे हैं हमारा है, इसका नहीं है। तो यार इतना तो बनता है कि टैक्सी का सिर्फ 800 रूबल मैं पे करूँ। चालीस मिनट की राइड के बाद हम पहुंच गए फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे, सिटी सेंटर में मुरमांग्स के, जहाँ पे सारी चीज़ें नज़दीक है, मतलब वोक्जाल यानी कि ट्रेन स्टेशन ले लो, परसों मेरे को जाना है ना, यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग की ट्रेन है पूरे 24 घंटे की, तो वही बात है। ओए होए, हॉस्टल का फर्स्ट इंप्रेशन तो मज़ा आ रहा है, मतलब बाहर से तो एकदम विंटर लैंड लग रहा है, और अंदर जाओ तो भी बढ़िया लग रहा है। चलो चेक इन कर लेते ना पहले, 2 बज गए दोपहर के अभी। अच्छा ये या ये कौन सा लो, कोई भी चलेगा, दे दो अभी कोई भी। हाँ जी, तो हो गया हॉस्टल में भी चेक इन, और ये रहा मेरा बेड। अगर रेट की बात करूँ ना तो 950 रूबल प्रति रात का नहीं लगा, 800 रूबल ही लगा, बिकॉज ये 8 बेडों वाला डॉम है, और जो फीमेल है जो मोहतरमाएँ है उनका अलग रूम है, 4 बेड वाला डॉम है, जिसकी वजह से उनका 950 रूबल रेट है, मेरा 800 रुपया ही है, 800 रूबल ही है।
ये सही हो गया। एनीवेज बहुत भूख लगी है तगड़ी वाली, कभी क्या करते हैं किचन में आटा मैगी और सूप ये सब बना के खाते, अच्छे से मजा आ जाएगा गरम गरम खाने में। और इस हॉस्टल का नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि कि अगर आप प्लान करो मुरमांग्स और अगर आना हो या हॉस्टल पसंद आए तो आप इनको व्हाट्सएप से बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, फटाफट अभी भूख लगी है, बना के खा ही लेते हैं। मैगी की प्रिपेरेशन चल रही है और यहाँ पे एक नॉर सूप भी मैं पी लूंगा, तो नॉर सूप और मैगी आटा मैगी फिलहाल के लिए इतना काफी है। बाकी ये किचन में पंछिया जोरदार है, दिखने में भी जोरदार है, आवाज भी मस्त कर रहे, प्यारे एकदम। अपना तो बढ़िया वाला काम हो गया, सच कह रहा हूं। हाँ जी गाइस, तो अब निकल पड़े हैं हॉस्टल से, मैगी ब्रेक कर ली, मतलब मैगी वैगी खा लिया, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया, आराम भी कर लिया, काम भी निपटा लिया थोड़ा, यही एडिटिंग वगैरह। जोरदार है, ऐसे रास्ते तो मैंने मतलब वीडियो में भी नहीं देखे रहेगे किधर, सच कह रहा हूँ, इतने बर्फीले, ओए होए होए, हो सकता है क्रीमी क्रीम है, एकदम विंटर लैंड है प्रॉपर, कोई मुकाबला नहीं है इसका। वाह, ठंड वाकई में जोरदार है, सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। और स्पेशली पता है सबसे ज्यादा ठंड किधर लगती है? पैरों में, पैरों में सबसे ज्यादा इंसान को ठंड लगती है, जिसकी वजह से सॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं कश्मीर गया था ना, मैं और रितिका दिसंबर में, तब वहां से लेदर वाले ग्लव्स और सॉक्स लिए थे, जिसकी वजह से मैं लेके आया हूँ। हालांकि लेदर वाले ग्लव्स तो नहीं पहने, इसलिए हाथों में ठंड ज्यादा लग रही है, लेकिन सॉक्स जरूर पहने, जिसकी वजह से दिक्कत नहीं हो रही है पैरों में, क्योंकि बर्फ पे ही चल रहे हैं ना, तो जरूरी है लेदर वाले सॉक्स। ठीक है, ओए होए होए, सन अभी सेट हो जाएगा, सन सेट हो जाए उससे पहले अपन थोड़ा धूप भी सेक लेते और फिर आगे प्लास्टर्ड प्याट करके, एक बहुत प्यारी जगह है इधर, सिटी सेंटर बोलते हैं मुरमांग्स का, उधर भी जाएंगे और अनुभव करेंगे, बहुत प्यारा कंस्ट्रक्शन है इधर भी। रेड पॉइंट बिंदी, इट्स अ गुड ट्रेडिशनल थिंग टू वेयर, यू लाइक बिंदी? यस, वाओ, सो गुड, सही काकाश्का, काकाश्का, से नमस्ते, 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 या, लाइक थैंक यू, नो, इट्स अ ग्रीटिंग, हेलो, प्रिवियत, या, नमस्ते, 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 वर्ड का, अरे अंडे से तो निकल पहले ने, वर्ड का नहीं, ये ने वो ने कर रहे, क्या वर्ड का, पढ़ाई कर, अच्छे नंबर ला, आईएएस वाईएएस कुछ बन, माँ बाप का नाम रोशन कर, देश का नाम रोशन कर। What words do you know in Russian? What words? दा नियत तक पक्का पक्का तेपोनी माइस इंग्लिश की पक्का 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 सही न्याशका हाँ न्याशका न्याशका It's like cute, so cute. Cute. I'm oh. Shinyashka. Shinyashka. Nyashka. You also Nyashka. Thank you. You sal Nyashka. Bas ja. Ja ash kar ja. Bas tu bhi cute ja. Bas ja ash kar. Cute girl. Cute girl. Acha. Cute. Nyashka boy. 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 Nyashka boy. Nyashka boy. Boy. Cute boy. Medved vodka. Huh? Medved vodka. Vodka, vodka pina isko. Medved vodka, no. Medved, it's mean beer. Animals. Beer. Achha, beer. 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 Bhalu. Achha. To bhalu hai tu. Tere ko bhalu banna hai, ha? Hello. Hi, what's up? Hi, bro. Hello, brother. How are you? I'm good. How are you, brother? I'm good, bro. So you all are from Murmansk? Yes. Yeah. This is my first day in Murmansk. First day. You like? Huh? Murmansk. Yeah. People, good people, good place. Murmansk gang. Murmansk gang. Yalama. Yalama, Sasha. Grechka. Okay. Grechka. Very nice. Murmansk gang. Murmansk. Ah, hello, hello. Grechka. Ciao. Крестики, нолики для Милани, домики. Путю ведь я люблю, навсегда мой друг для друга. ЛП! ЛП! Джей-хо! 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 Ой! Маскара, маскара, вы погнали, пагал, там, где паттер-паттер, маленький. Аша!
Nice? Nice. Yes. Okay, guys, thank you so much for your time. Bye-bye. It was lovely. Bye-bye. Bye-bye. Such a lovely game. Chalo. Yeah. Same here. Padhai karna, achcha naam roshan karna. Do well. Study hard. Do well. Okay? Chalo. बढ़िया बच्चे थे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड गया. एनीवेज अभी भूख भूख लग गई है, थोड़ा जाते हैं. मेरिडियन होटल इधर बगल में ही है, यही रही इनफैक्ट. जाते हैं वहाँ पे, रेस्टोरेंट भी है, नाइट क्लब भी है. नाइट क्लब का इंक्वायरी करता हूँ, बोकियान हॉल करके या ओकियान हॉल करके इंक्वायरी करते हैं, या फिर कुछ खाते अगर मिल जाए वेजिटेरियन या वीगन ऑप्शन में, है ना. तो ये जो प्लॉशेट प्योर इलाका है ना सेंटर में, वहीं पे मेरिडियन होटल है जो कि बहुत फेमस है, सेंटर पॉइंट माना जाता है मुरमांस का. तो वहाँ पे एक क्लब है, नाइट क्लब है, ओकियन हॉल करके, जो 11 बजे रात को खुलती है. अभी इतनी ठंड में मेरे को नहीं पता कि 11 बजे मैं जा पाऊँगा कि नहीं, बिकॉज फिर यहाँ से वापस 800 मीटर मेरा हॉस्टल दूर है, तो 12 एक बजे इतनी ठंड में -26-27 डिग्री में कैसे ही जाऊँ. एनीवेज नाइट क्लब का अलग रखते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी आप देख लो, मतलब रेस्टोरेंट एंड बार है, जहाँ पे मेरे को कुछ वीगन ऑप्शंस, वेजिटेरियन ऑप्शन भी मिल गया. जो मैंने इनको समझाया, भाई एक तो इंग्लिश आती नहीं है, ठीक है, टूटी फूटी करके गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करके इनको समझाया कि भैया ये जो स्प्रिंग रोल आपका जो ऑप्शन है ना वेजिटेरियन वीगन का, विथ टोफू एंड ऑल, चटनी वटनी जो भी है, शेफ़ को बोलना कि अलग बनाना, सेपरेट ऑयल में बनाना, नो फिश ऑयल वगैरह, सही चीज़ें समझा दिए इन्होंने. समझा 20 मिनट लगा, समझ गए. ओ तेरी आ गया 450 रूबल का, मतलब एक स्प्रिंग रोल 150 रूबल का है. बताओ 165 रुपये 170 रुपये का एक रोल, ठीक है कोई नहीं, कुछ तो मिला. ना मिलने से अच्छा कुछ तो मिले, थोड़ा महंगाई सही लेकिन काम निकलना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है. अभी मैगी सूप के भरोसे कितना खाऊ ना, मतलब यहाँ पे सूप का भी ऑप्शन था वैसे, लेकिन वही बात है कि ऑलरेडी सूप हॉस्टल में पी चुका था, मैंने कहा कि कुछ ऐसा खा लेता हूँ. खाने लायक तो है, तीनों खा सकता हूँ मैं, खाने लायक है, मतलब टेस्ट बुरा नहीं है, अच्छा है टेस्ट. सबसे बढ़िया बात ये लग रही है कि अंदर जो टोफू और गाजर का कॉम्बिनेशन है ना, और इन्होंने चटनी कोई अलग से नहीं दी है, मतलब ऐसे ही ड्रेसिंग किया हुआ है पूरे, ये सब चटनी है, ठीक है, तो उसका जो कॉम्बिनेशन है ना लाजवाब लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है. ओए होए होए मज़ा आ गया, सच कह रहा हूँ, मतलब बहुत टेस्टी था और पेट भी लगभग भर गया, और जैसे ही बाहर निकला अंधेरा भी दिख गया और ये लोग दोबारा दिख गए मेरे को. बोला क्या कर क्या रहे हो, चपरी चाली चल रही है क्या, हाँ इधर उधर उधर इधर. एनीवेज वही मैं सोचा था कि नॉर्दर्न लाइट वगैरह, इज देयर एनी चांसेस ऑफ नॉर्दर्न लाइट्स, नॉर्दर्न लाइट्स, नॉर्दर्न लाइट्स, ग्रीन ग्रीन लाइट, एनी चांसेस इन जनवरी, इन जनवरी, नॉट इन फेब्रुवरी, मेबी फेब्रुवरी, नॉट नाउ, नो नॉट नाउ, नो नो. चलो कोई नहीं, वो नहीं दिखे तो बहुत दूसरी चीजें दिख गई, वही बात है. और अट्रैक्शन अब तक देखे किधर है मुरमांस के, मैं कह रहा हूँ कि कल पूरा दिन है मुरमांस, तो कल पूरा दिन हम घूमेंगे और अट्रैक्शंस कवर करेंगे मुरमांस के. आज के वीडियो में यही कि अपनी जर्नी कैसी रही मॉस्को से यहाँ पे मुरमांस की, जहाँ पे मोहतरमा ने मेरी मदद की, अभी घूम रहा हूँ टहल रहा हूँ, तो आपस सारे ये बच्चे लोग मिल गए मेरे को, है ना, जो मजे कर रहे और मेरे को भी करवा रहे, टाइम पास हो रहा है. अब मैं हॉस्टल की तरफ ही निकल रहा हूँ, वैसे भी रात के 8:30 बज गए, सो जाऊंगा, एडिटिंग वेडिटिंग करूंगा. अभी ठंड भी बढ़ रही है, रात को निकल के मतलब भी नहीं है, जो देख लो इस तरीके से माहौल रहता है रात का, मस्त है ना, बल्ब बल्ब लगते है, आइस में आइस और लाइट का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है. मैं बोला पानी की बॉटल लेके हॉस्टल जाता हूँ, क्योंकि पता है ना आपको बाथरूम का सीन, पूरी गैंग आ गई, बताओ. एक पानी की बोतल लेने पूरी गैंग ही आ गई मेरे साथ. चलो ठीक है, बढ़िया. नो सोडा, नो सोडा, नो सोडा, नो सोडा, हाँ नो सोडा, ओके, हाँ परफेक्ट. क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, क्या हो गया तेरे को, बोल क्या हो गया, क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया, ना 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 नहीं, क्या हो गया, ठीक है ना तू, ठीक है एकदम बढ़िया. सबको मजा आ गया. अरे कैमरामैन को भी मजा आ गया. ये कैमरामैन, ये बहुत शाय लड़का है, इसे बोला मैं नहीं नाचूंगा, मैं कैमरा पकड़ूंगा. वेन एवर यू आर हैप्पी, धिंका चिका धिंका चिका धिंका चिका धिंका चिका धिंका चिका.